यार मुझे ना फिक्र बहुत लगी रहती है। मैं हर चीज में फिक्र करता हूँ। अब मेरे दोस्त मुझे फिक्र चंद कह के बुलाते हैं। पहले मुझे फकीर चंद कह के पुकारते थे, लेकिन अब वो चेंज होके फिक्र चंद हो गया है। इस फकीर चंद से फिक्र चंद होने में सिर्फ एक चीज का टोटल योगदान रहा है, पैसा, मनी। हुआ यूं कि कुछ महीनों पहले मैंने एक टीवी रियलिटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उसमें 1 करोड़ रुपए जीत गया। इस कॉन्टेस्ट से पहले मुझे पूरा यकीन था कि मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं जीत सकता, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा रहा है ना भाई। स्कूल में कभी कोई स्कॉलरशिप नहीं जीता, ना ही कभी कोई स्पोर्ट्स में मेडल जीता, क्लास में कभी फर्स्ट ही नहीं आया तो इसलिए ना कभी टीचरों का आदर जीता, अब कभी लास्ट ही नहीं आया तो इसलिए कभी माँ से सहानुभूति भी नहीं जीता, आज तक कभी हाउस ही नहीं जीता। जुआ तो दूर की बात है साहब, स्क्रैच एंड विन कॉन्टेस्ट में स्क्रैच कर करके थक गया, लेकिन माँ भी कुछ नहीं जीता। अब अगर ऐसे में मेरे जैसा लड़का 1 करोड़ रुपए जीत जाए तो उसे फिक्र कैसे ना लगे, बताइए जरा। क्या मतलब फिक्र कैसे भाई, ये सब जो मिला उसे खोने की फिक्र ऑब्वियसली। ये पैसा, गाड़ी, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, पूजा, मेरी गर्लफ्रेंड। तो कॉन्टेस्ट जीतने के 1 हफ्ते बाद में ना मैं सिजल गया था, ये जो नया पब खुला ना जो हूँ मैं अपनी जीत सेलिब्रेट करने, तो वहाँ मुझे मिली पूजा। अब मुझे ना हमेशा से पूजा जैसी गर्लफ्रेंड ही चाहिए थी, हॉट, एकदम हॉट। मतलब जब वो मेरे साथ होती है ना तो बाकी सारे लड़कों की ऐसी जलती है बस पूछो मत।